हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। वहीं जम्मू कश्मीर में 3 चरण में तो हरियाणा में 1 चरण में चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर में पहला चरण 18 सितंबर को, दूसरा चरण 25 सितंबर को और तीसरे और अंतिम चरण का चुनाव 1 अक्टूबर को होगा, जबकि मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। वहीं हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होगा जबकि मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। वहीं जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के पक्ष में हैं। उन्होंने कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हरियाणा के नेताओं से इस पर राय मांगी है। राहुल गांधी ने इस मामले पर फीडबैक देने को भी कहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हरियाणा, गुजरात, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़ में लोकसभा चुनाव संयुक्त रूप से लड़ा था। हालांकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन करके आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ था, लेकिन अब आने वाले समय में पता चलेगा कि दोनों पार्टियां गठबंधन करती है या नहीं। हालांकि कांग्रेस पार्टी की सीनियर नेता कुमारी सैलजा ने इस गठबंधन से इनकार किया है। पिछले महीने उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी पार्टी राज्य में एक मजबूत खिलाड़ी है और चुनाव में अकेले दम पर उतरेगी। इसके अलावा साल की शुरुआत में ही ऐसा ही बयान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दिया था। केजरीवाल का कहना था कि आम आदमी पार्टी हरियाणा की सभी 90 सीटों पर अपनी ताकत से चुनाव लड़ेगी। वहीं हरियाणा के AICC प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा है कि CAC की बैठक में 49 सीटों पर चर्चा हुई है, जिसमें से 34 का ऐलान कर दिया गया है। आगे बाबरिया ने कहा कि 34 सीटों में से 22 विधायक सीटें हैं, 15 सीटों को समीक्षा के लिए भेजा गया है और बाकी नामों को 2-3 दिनों में मंजूरी दे दी जाएगी। आगे दीपक बाबरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि पहलवान विनेश फोगाट को लेकर सभी अटकलों पर आज विराम लग जाएगा। पार्टी विनेश फोगाट के बारे में सब स्पष्ट करेंगे। वहीं 2 दिनों के अंदर लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। अगर विनेश हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ती है तो उनके दादरी विधानसभा क्षेत्र में अपनी चचेरी बहन बबीता फोगाट के खिलाफ मैदान में उतारे जाने की संभावना है। इसके अलावा बाबरिया ने बताया कि उम्मीदवारों का फैसला करने के लिए सर्वेक्षण में जिन नेताओं के नाम सामने आए हैं उनकी जीत की संभावना एक जरूरी क्राइटेरिया थी। बाबरिया ने कहा कि ऐसे उम्मीदवारों पर भी विचार किया गया जिन्होंने 2 बार से ज्यादा चुनाव नहीं हारे थे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उनके गढ़ गढ़ी सांपला किलोई से मैदान में उतारे जाने की संभावना है। साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान होडल से चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें कि 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा के चुनाव 5 अक्टूबर को होने हैं और नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। लेकिन इससे पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में गठबंधन करती है या नहीं, ये देखना बिल्कुल भी दिलचस्प होगा और इस गठबंधन से हरियाणा चुनाव भी एक नया मोड़ ले सकती है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।